बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम लोग अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं ऑन मोबाइल मोबाइल पे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा पिक्सआर्ट एंड पिक्सल ऐप। आफ्टर डाउनलोड आपने ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपने यहाँ पे आपको परफेक्ट कलर का प्लस का ऑप्शन नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नज़र आएगा ड्राइंग्स में पिक कैनवास। आपने इसमें जाके पिक कैनवास में जाके आपने यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी वो रेशियो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है 2048x50x36। आपने ये सेलेक्ट कर ली तो फिर आपने यहाँ से पर्पल कलर का आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपने इसको थोड़ी सी पिक्चर को से थोड़ा छोटा कर लेना है। तो आपने देन आपने जाना है शेप में। शेप में आने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करना है सर्कल। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐसे यहाँ पर सर्कल बना लेना है। फिर देन आपने अगेन इसके अंदर एक और सर्कल ऐसे बना लेना है। फिर आपने यहाँ से करना है ऊपर नेक्स्ट की ऑप्शन वाइट कलर की, नेक्स्ट करके एडिट इमेज। एडिट इमेज करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे करके नज़र आएगा टेक्स्ट की ऑप्शन। आपने टेक्स्ट में अपने जाके अपना नेम लिखना है, योर नेम। तो आपने इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लेना है, थोड़ा तिरछा करके लगा रहे हैं, तिरछा करके। फिर आपने ऊपर से टिक कर लेना है। फिर देन अगेन आपने जाना है टेक्स्ट में। फिर आपने लिखना है अपना योर चैनल नेम। योर चैनल नेम लिख लिया आपने। तो आपने यहाँ पे आके आपको एडमिन ऑप्शन नज़र आएगी बैंड के लिए। बैंड में जाने के बाद आपने इसको इतना बैंड कर लेना है कि आपका ये इसके अंदर ऐसे पूरा आ जाए। तो ये मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लें साथ साथ। तो ये मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने टिक करके ऐड फोटो में जाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 फोटोज़ दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। चलिए मैं आपको फ़ोटोज खोल के दिखाता हूँ। वो 2 फोटोज़ ये हैं। तो इसमें से आपने ये फोक्स की सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू कलर का नज़र आएगा ऐड वन, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी सी इस फॉक्स को छोटा कर लेना है और आपने इसके अंदर ऐसे इसको फिक्स कर लेना है। फिर आपने यहाँ से करना है टिक। और आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा शुरू में जाके सेकंड नंबर पे टूल्स में जाके अपने डिसाइज में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करनी है रेजोल्यूशन 2500 एंड यहाँ पे आपने करनी है रेजोल्यूशन। आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ये कुछ भी नहीं है। तो आपने थोड़ी पिक्चर छोटी कर लेनी है। तो आपने यहाँ पे टूल्स में जाके रिसाइज में जाके आपने ये जो मैंने रेजोल्यूशन सेलेक्ट की आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर रिसाइज पे क्लिक कर लेना है। फिर देन आपने यहाँ पे जाके आपको नज़र आएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा आपको यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्रॉ की। ड्रॉ में जाके आपने ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाके आपने थोड़ी सी ऐसे फ़ोटो छोटी कर लेनी है। तो आपने यहाँ से कर लेना है नेक्स्ट एंड आपने यहाँ से कर लेनी है फ़ोटो, यानी नेक्स्ट नहीं करना। आपने अपने बैक जाना है। फोटो छोटी करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स नज़र आएंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा सेव इमेज। आपने ये वीडियो ये इमेज सेव कर लेनी है। यहाँ पे आपने कर लेनी है सेव। आपने ये सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद आप लोगों ने जाना है पिक्सल ऐप में। पिक्सल ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पे नज़र आएगा प्लस के ऑप्शन। प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट पे नज़र आएगा फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जो हमने बनाई है अभी पिक्चर आपने वो ओपन कर लेनी है। तो आप 1:1 सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपने इसको ऐसे यहाँ पे पूरी को ऐसे कर लेना है पूरा। यहाँ पे आपने ऐसे पूरी सेलेक्ट कर लेनी है। पूरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगी। आपने यहाँ से अमेजन ये आपको अगला नज़र आएगी ऑप्शन। आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे जाके आपको नज़र आएगा ये इरेज कलर। इरेज कलर में जाके आपने करना है इनेबल। इसको आप लोगों ने इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे ये नज़र आएगी ऑप्शन। आपने ये टेक्स्ट की ऑप्शन जो है
ये जो आपके टेक्स्ट की ऑप्शन है तो आपने इसको डिलीट कर देना है। तो आपने इसको ऐसे इसको यहाँ पे पूरा सेट कर लेना है। ये स्क्रीन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगी ऑप्शन ट्रांसपेरेंट की, अगली रो में ट्रांसपेरेंट कर लेना है। फिर देन आपने यहाँ से इमेज सेव कर लेनी है। यहाँ पे आपको प्लस के आगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ से आपने कर लेनी है सेव एज इमेज। सेव करने के बाद आपने यहाँ से ये सेव हो गई तो आपने देन अगेन आपने यहाँ से डिफॉल्ट में जाना है। डिफॉल्ट में जाके दोबारा आपने ये वाली खोलनी, डिफॉल्ट में जाके आपने दोबारा ये अगेन ये पिक्चर खोलनी है। पिक्चर खोलने के यहाँ पे कोई भी ब्लैक पिक्चर आपको कर देनी है, यहाँ पे सेट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ये ब्लैक पिक्चर सेट कर देता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ये ब्लैक पिक्चर। तो सेलेक्ट करने के बाद आप जो यहाँ से जाना है, आपने वो जो ट्रांसपेरेंट वाली इमेज बनाई थी आपने वो ओपन कर लेनी है फ्रॉम गैलरी में जाके। यहाँ पे ये हमने इमेज बनाई थी ट्रांसपेरेंट वाली, तो ये हमने ओपन कर ली। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो ऐसा इंटरफेस नज़र आने के बाद आपने यहाँ से जाना है आगे जाके। आपको यहाँ से आगे जाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे पिछली रो में नज़र आएगा आगे जाके। आपको यहाँ पे टेक्सचर में जाने के बाद आपने यहाँ पे टेक्सचर सेलेक्ट करने हैं। टेक्स्ट सेलेक्टेड करने के बाद मैंने आपको टू पिक्चर्स दिखाई थी, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। आपने सेकंड वाली सेलेक्ट कर, ये वाली ब्राउन वाली, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आपने इसको ऐसे किया तो ये इसके ऊपर पूरा आ गया। तो आपने इसको इनेबल कर लेनी है, मैंने टिक कर लेना है आपने इसको। फिर आपको यहाँ पे अगली रोम, यहाँ पे इसी रोम में आपको नज़र आएगी, यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा स्ट्रोक। आप स्ट्रोक इनेबल कर लेना है, यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। तो ये स्ट्रोक इनेबल हो चुका है। तो आपने यहाँ से शेडो में जाके शेडो भी आपने इनेबल कर लेनी है। तो ये हमारा शेडो हो चुका है तैयार, ये हमारा लोगो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।